वर्ल्ड बैंक की एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक यहाँ पे नेपाल की जो पॉपुलेशन स्लम्स में रहती है उसके आंकड़े इतने ज़्यादा बढ़िया निकल कर सामने आए हैं कि उसने भारत, पाकिस्तान, साउथ सडन सहित बहुत से देशों को पीछे छोड़ दिया है। एक्चुअल में ये ग्रोथ थोड़े ही दिनों में देखने को मिली है। अगर बात हम थोड़ा सा पीछे की यानी कि 2018-19-20 की करें और आज की बात करें तो नेपाल ने इतनी ग्रोथ करके दिखाई है जो कि साबित करता है कि नेपाल किस तरह से आगे बढ़ रहा है। नेपाल ने इस मामले में भारत को पीछे छोड़कर ये साबित कर दिया है कि भारत की जीडीपी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इसकी एरिया बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जितनी पॉपुलेशन है वो सुख शांति से रह सकती है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कम्प्लीटली चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में स्लम क्या है क्योंकि सभी लोगों को नहीं पता, इसके साथ साथ अर्बन पॉपुलेशन में ये कम कैसे करा नेपाल ने ये भी, और इसके साथ साथ इसके महत्व क्या हैं, जीडीपी इसके ऊपर इम्पैक्ट करती भी है या फिर नहीं करती, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारे शब्दों को मैं पहले यहाँ पे आपकी कन्फ्यूज़न दूर करता चलूँ। पॉपुलेशन लिविंग इन स्लम यानी कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों की संख्या को डिनोट करेगा और अर्बन पॉपुलेशन के अंदर से ये परसेंटाइल निकाला गया है जो कि शहरों में रहते हैं और शहर में रहने के बावजूद झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं उनके लिए ये डाटा डिपेंड करेगा। मैं आपको बता दूँ कि साउथ सडन है वो सबसे ऊपर है इस मामले में। जो साउथ सडन के अंदर यानी कि शहरों के अंदर लोग रहते हैं उसमें से 94% यानी 94% ऐसा है जो कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है। तो आप सोच सकते हैं हालात कितने बद से बेहतर हैं, ऐसा कह सकते हैं। सडन में 74% है, चाद में यहाँ पे 82% है, अफगानिस्तान के अंदर 73% है। इसके बाद अगर बात करें हमारे एशियन रीजन की तो पाकिस्तान के अंदर 56% लोग ऐसे हैं जो कि स्लम में रहते हैं, जो कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं शहरों में रहने वाले। अगर बात करें इराक की तो 49% है, केन्या का 51% है, जो कि डिनोट करता है कि कितनी ज़्यादा गरीबी है उन देशों के अंदर। अगर बात करें यहाँ पे इंडिया की तो उसमें भी 49% यानी कि 49% है, और उसके बाद यहाँ पे नाइजीरिया हो गया उसमें भी 49% है। लेकिन नेपाल ने इतनी जल्दी ऐसे ग्रोथ कैसे करी है, आप सोच सकते हैं। फिलीपींस एक अच्छा देश, एक यहाँ पे विकसित देशों की श्रेणी में आता है, मालदीव्स भी एक अच्छी कैटेगरी के अंदर आता है और उनका मुकाबला कर रहा है नेपाल। नेपाल की अभी स्लम है वो कहीं ना कहीं 40% आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2018 के अंदर, 2015 के अंदर ये आंकड़ा नोट करोगे, जब यहाँ पे अर्थक्वाइक आया था, एक ऐसा मतलब अर्थव्यवस्था को हिलाने वाला सब कुछ हो गया था और उस समय पॉपुलेशन आपको पता है स्लम पॉपुलेशन आसानी से बढ़ेगी 49.30 थी 2018 के अंदर, यानी कि शहरों के अंदर जो लोग रहते थे उसमें से 49.30% लोग तो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे। अब इस आंकड़े को 9% और कम करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है, यानी कि अब 40 पर ले आए हैं ये लोग। अब यहां पे दुनिया में ये चर्चाएं हैं कि इंडिया की ट्रिलियंस ऑफ जीडीपी है, नेपाल के पास कहां ट्रिलियंस ऑफ। तो आप सोचिए कि उनके बुगेट कितने हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी जो प्रोडक्ट बनाने की क्षमता कितनी होगी, फिर उस हिसाब से जीडीपी होती है। अगर उनकी बिलियन के अंदर जीडीपी है तो बहुत अच्छी जीडीपी है, लेकिन हमारी अगर 3 ट्रिलियन है तो वो क्या अच्छी है उस पॉपुलेशन के मामले में, ये एक फर्क होता है। और अपने हिसाब से यहाँ पे जीडीपी को ग्रोथ कर रहा है नेपाल, वो एकदम सही है। और ये आंकड़ा जो कि दिखाता है कि वो उसके अंदर गरीबी, अगर गरीबी की बात करें पर्टिकुलर, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया से भी कम है, पाकिस्तान से भी कम है, नाइजीरिया से कम है, अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा कम है, साउथ सडन से भी बहुत ज़्यादा कम है। ये चीज़ दिखाता है कि उनके लोग किस तरह से खुशी से रहते हैं। ये चीज़ दिखाता है कि मात्र 40% अब रहा है स्लम में, और आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि आप एक टाइम पीरियड नोट कर सकते हैं 2018 टू 2023 यानी कि लगभग 5-6 सालों के अंदर उन्होंने 9% ऐसे लोगों को घर के अंदर ला दिया है, उनकी कम से कम
कुछ ऐसी इंक्रीजमेंट करे हैं, उनको जॉब मिली है, जो भी हुआ हो, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल बदला है, ये चीज कहीं ना कहीं नोट करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सल्यूट है नेपाल, आपने जो ये कारनामा करके दिखाया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।